दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि ये बंदर ऐसा क्यों कर रहा है? और क्या आपको पता है कि ऐसी हरकतों का अंजाम क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गुज्जू कार हेल्पर। तो कैसे हो दोस्तों, पहले तो आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके कहिए कि ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ। दोस्तों, यहाँ पर ट्रैफिक के बीच में दिख रही ये व्हाइट कार अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि कार के रियर डोर और पीछे वाले सभी के सभी ग्लास टूट गए। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि ये ब्लास्ट गाड़ी में लगे सीएनजी के सिलेंडर फटने से हुआ होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये वाला ब्लास्ट गाड़ी में लगे हैवी बेस स्पीकर फटने से हुआ था। लेकिन फिर भी दोस्तों, मुझे डाउट है कि क्या कोई स्पीकर फटने से ऐसा एक्सप्लोजन हो सकता है क्या? दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो कमेंट करके जरूर कहे। दोस्तों, कभी कभी फोटो सेल्फी या वीडियो के लिए हम इतना रिस्क लेते हैं कि हम खुद की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। अब यहाँ पर ऑटो रिक्शा में बैठा ये लड़का ऑटो से बाहर लटक कर ऐसे ऐसे स्टंट कर रहा था कि अगर जरा से भी गलती हुई तो सीधे हॉस्पिटल। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि ये बंदर ऐसा क्यों कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में शायद अभी भी टिकटॉक चल रहा है, तो शायद टिकटॉक पे फेमस होने के लिए ये बंदा ऐसे खतरनाक स्टंट कर रहा है। लेकिन फिर भी दोस्त, बच के रहना, ये टिकटॉक है, हॉलीवुड नहीं। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में ये वाली व्हाइट कार जब रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक ट्रक तेजी से उस तरफ आ रहा था। वो कार वाला इतना स्टूपिड था कि उसने रोड के बीच में अपनी कार रोक दी, जिनसे तेजी से आ रहा वो ट्रक वाला ब्रेक नहीं लगा पाता और दूसरी कार को हिट करते हुए इस व्हाइट कार पे वो पलट जाता है। दोस्तों, वीडियो देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस ट्रक वाले ने टाइम पर ब्रेक नहीं लगाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई हैवी व्हीकल्स फुल लोडेड होता है तो उस व्हीकल के ब्रेक तो लगते हैं, लेकिन गाड़ी के टायर्स स्किड करते हुए आगे निकल जाते हैं और इसी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी यहाँ पर आपको किसकी गलती लगती है वो कमेंट करके जरूर कहे। बिल्ड क्वालिटी की बात आए और हम फोर्ड को भूल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? हालांकि फोर्ड अब इंडिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी उनकी गाड़ियों के दीवाने अभी भी इंडिया में कम नहीं हुए हैं। ऑल्दो उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। अब ये वाला एक्सीडेंट फोर्ड इकोस्पोर्ट के साथ हुआ था, जिसमें एक इकोस्पोर्ट रोल होते हुए दीवार से टकरा जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं कि बारिश की वजह से रोड काफी गीली थी और तभी तेजी से एक इकोस्पोर्ट वहां से गुजरती है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि इकोस्पोर्ट काफी स्पीड में थी और रोड गीली होने के कारण गाड़ी चला रहा वो बंदा स्टीयरिंग पर से कंट्रोल खो देता है। दोस्तों, यहाँ पर कार इतनी स्पीड में थी कि पूरी गाड़ी स्किड करते हुए डिवाइडर को तोड़कर रोल होते हुए दूसरे साइड में जाकर रुकती है। लगभग 4 से 5 बार रोल होने के बाद वो रोड के साइड में आकर रुकती है। दोस्तों, यहाँ पर मिरेकल कहो या और कुछ, लेकिन इतने हैवी एक्सीडेंट के बाद भी कार चला रहा वो बंदा अपने आप गाड़ी से बाहर सही सलामत आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इतने बुरे इंपैक्ट के बाद भी गाड़ी की विंडशील्ड और रूफ में थोड़ा सा डैमेज आया है। इसके अलावा गाड़ी के सभी पिलर्स सही सलामत है और यही है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की पहचान। दोस्तों, अभी अभी बारिश का मौसम गया है, बारिश की वजह से रोड पर ट्रैक्शन के साथ विजिबिलिटी भी कम हो जाती है और इसी वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि शुरू बारिश में एक मर्सिडीज सी क्लास कार रोड पर स्किड करते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी और रोड गीला होने के कारण ट्रैक्शन भी कम हो गया था और इसी वजह से गाड़ी मोड़ते वक्त स्किड कर जाती है और रोड के साइड में लगे पोल से टकराते हुए रोड पर आगे जाके रुकती है। लकीली इसमें किसी को चोट नहीं आई, पर फिर भी बारिश के मौसम में अपना व्हीकल स्लोली चलाना चाहिए।